राम गोपाल वर्मा लगातार सपोर्ट कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को। जी हाँ, इस वक्त क्या कुछ कहा है राम गोपाल वर्मा ने, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में एक बड़ा सा नोट लिखा है रिया चक्रवर्ती के लिए। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि किस तरीके से बिना कल्प्रिट साबित हुए भी रिया चक्रवर्ती मीडिया ट्रायल्स पर गुनहगार साबित करी जा चुकी हैं, एंड नॉट ओनली दिस, पीपल आर कॉलिंग हर विच, पीपल आर कॉलिंग हर वैम्प, एंड इतना ही नहीं, गोल्ड डिगर से लेकर ड्रग अब्यूजर एंड मैनाइजर, इस तरह की तमाम स्टेटमेंट्स जो है रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट आ रही हैं। और इन सभी स्टेटमेंट्स को पॉइंट आउट करते हुए राम गोपाल वर्मा जी ने इस बात को कहा कि अभी तक रिया गुनहगार साबित नहीं हुई है, लेकिन इंडियन मीडिया ने, मीडिया ट्रायल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने, मैगजीन्स ने, हर किसी ने रिया चक्रवर्ती को गुनहगार बता दिया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही वक्त पहले स्वरा भास्कर का भी इसी तरह का कुछ कहना था, और ये सारे लोग जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि राम गोपाल वर्मा ने एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में कोई बात नहीं कही है। उन्हें लगता है कि रिया पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती उनके इमेज को टैम्पर किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की एविडेंस टैम्परिंग चल रही है, खुलेआम एविडेंसेस टैम्पर हो रहे हैं, और खुलेआम अब जो चीज़ें सामने आ रही है रिया के चैट से लेकर, रिया का बिहेवियर से लेकर, रिया के कॉन्टैक्ट से लेकर, ये सारी चीज़ों पर राम गोपाल वर्मा सर का कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ, जब मीडिया उन्हें गुनहगार बताती है, जब मीडिया ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती की क्या क्या डिटेल्स है वो सामने रख रही है मीडिया, तो फिर मीडिया ट्रायल्स को अनफेयर कहा जाता है। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस चीज़ पर, ये आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।